तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हमने एक यूजर को क्रिएट किया, लॉगिन पैनल बनाया इस जेंगो के सीरीज में, लेकिन बात जब आगे बढ़ती है तो बात आता है पासवर्ड रीसेट और पासवर्ड को चेंज करने का। पासवर्ड रीसेट यानी फॉरगेट पासवर्ड, वो तो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले जब पासवर्ड यूजर को चेंज करना हो तो वो कैसे करें, उसके लिए भी इसका जवाब एकदम सिंपल है कि उसके लिए भी जेंगो सब काम करके रखा हुआ है, बस आपको इसका यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ये है कि एकदम रियली बहुत बड़ा समस्या है ये कि जेंगो सारा काम करके रखा हुआ है, जो भी जेंगो के डेवलपर्स हैं सारे काम करके रखे हुए हैं, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या यह एक सही तरीका है कि हम उसका यूज कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली ऊपर ऊपर सब कुछ निकाल ले रहे हैं, लेकिन डीप लेवल पे अंदर से इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में हो क्या रहा है, आखिर में ये काम कैसे कर रहा है। तो आज इसी समस्या का मैं समाधान करूँगा। बिल्कुल सही सुना है आपने। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्म को क्रिएट किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि ये सब काम हो कैसे रहा है, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है इसमें समस्या। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, फिर भी एक बार ओवरव्यू तो बनता है। सबसे पहले हम लोग पासवर्ड रीसेट फॉर्म बनाना है हम लोगों को, सॉरी पासवर्ड चेंज फॉर्म बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि जेंगो बहुत सारा मॉड्यूल्स बना के रखा हुआ है, उसका यूज हमें करना है, तो पहले तो उसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम जेंगो, मतलब jango.contrib.auth.forms, मतलब यहाँ पे भी इस डायरेक्टरी में भी एक फॉर्म्स नाम का है फोल्डर, पाइथन फोल्डर, जिसमें बहुत सारा फॉर्म बन के रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग, अगर आपको याद होगा, तो इंपोर्ट किए थे यूजर क्रिएशन फॉर्म इसी डायरेक्टरी से, तो यहीं से हम लोग फिर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पासवर्ड चेंज फॉर्म। तो बिल्कुल ऐसी लिखेंगे पासवर्ड चेंज फॉर्म। अभी हम लोग पासवर्ड चेंज फॉर्म को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब आते हैं, पहले अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे रजिस्टर के नीचे, यहाँ पे लिखते हैं एक फंक्शन बनाओ, सॉरी चेंज पास नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट वैसे ही रिक्वेस्ट को पास कर देते हैं, और यहाँ पे पहले फॉर्म एक बना देते हैं। फॉर्म क्या रहेगा? फॉर्म इज इक्वल टू पासवर्ड चेंज फॉर्म। पहले इसको एक बार हम लोग रेंडर करके देखते हैं, वहाँ पे भेज के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। बेसिकली पहले पैरामीटर बना लेते हैं, ये सही तरीका है, पहले पैरामीटर बना लीजिए, उसके बाद वैल्यू को पास कीजिए, ये सहूलियत रहता है। वैसे अगर हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट रेंडर में ही एक डिक्शनरी को पास कर देंगे तो वो हमारा, अगर ज़्यादा आर्गुमेंट पास करना होगा तो हम लोग का सिंटेक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अभी यहीं पे एक बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म में पास कर दे रहा हूँ बिल्कुल फॉर्म को, और ये मैं इसको रेंडर करूँगा अब, रिटर्न रेंडर, सबसे पहला आर्गुमेंट पास होता है सबको पता है रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट फॉर्म, टेम्पलेट का नाम दे देते हैं चेंज पास डॉट html, बना लेंगे सेम टेम्पलेट को, हम लोग सेम html फाइल को अभी क्रिएट करेंगे इसको बनाने के बाद, चेंज पास डॉट html, और इसमें फॉर्म्स को भी हम पैरामीटर्स को भी पास कर देते हैं। हो गया, पैरामीटर भी पास हो गया। अब बात आता है टेम्पलेट बनाने का, तो यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एक html फाइल, न्यू फाइल, कंट्रोल सेव करते हैं बिल्कुल इसी नाम से। सबसे पहले html के बेसिक, यहाँ पे पासवर्ड चेंज, यहाँ पे हम जो फॉर्म को पास किए हैं उसे एक बार डिस्प्ले करें। सबसे पहले फॉर्म टैग बना देते हैं, फॉर्म टैग में इस फॉर्म को मेथड इक्वल टू पोस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर
इसी के अंदर हम उस फॉर्म को कॉल कर लेते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही सिंपल तरीके में एक बटन बना देते हैं चेंज चेंज पासवर्ड। इसका टाइप रहेगा बटन सॉरी सबमिट। अब हम लोग का ये जो टेम्पलेट है ये भी बन चुका है, एचटीएमएल फाइल है वो भी बन चुका है, बस अब काम थोड़ा सा बचा हुआ है यूआरएल्स के लिए। तो सबसे पहले इसका एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं, इसका भी नाम चेंज सॉरी इसका हम नाम रख देते हैं चेंज पास। इसके फंक्शन का नाम भी है चेंज पास, सॉरी यूआरएल्स में चेंज पास, और इसका नेम भी दे देते हैं हम लोग चेंज पास। सेव करते हैं, देखते हैं हम लोग का सर्वर चल रहा है कि नहीं। ये हम लोग का सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो गया। आते हैं ब्राउजर में एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आते हैं चेंज पास पे, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए एक बहुत ही सुनहरा सा एरर आया है। ओ देखिए हम लोग जो बहुत बेसिक वाला चीज़ मिस किए हैं वो बहुत ही सिंपल है। चेंज पासवर्ड को तो हम जो फंक्शन है उसको कॉल कर चुके हैं, लेकिन ये जो चेंज पासवर्ड फंक्शन है ये किस यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा, किस यूजर के पासवर्ड को चेंज करने के लिए ये फॉर्म काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यूजर को भी इसके आर्गुमेंट में भेजना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर करेंट यूजर जो है उसी को, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर से करेंट यूजर का पता लगाया जा सकता है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब करेंट यूजर को सेंड कर दो। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी मेरे हिसाब से एरर आना चाहिए लेकिन पता नहीं, सर्वर चालू हो चुका है। देखिए एरर नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बोलिए क्यों एरर आना चाहिए, मैं क्यों ऐसा बोला कि एरर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए फील्ड बन चुका है ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड कंफर्म एंड चेंज। इसको थोड़ा सा डिजाइन करना चाहे तो हम बिल्कुल आ सकते हैं इसके टेम्पलेट वाले फाइल में, और यहाँ पे डॉट एज पी कर देंगे तो शायद कुछ अच्छा दिखे जी। हाँ तो कुछ थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बाद में इसमें हम क्रिस्पी फॉर्म को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी बेसिक में इतना। और मेरा स्टेटमेंट था कि इस पे एरर आना चाहिए लेकिन एरर नहीं आया। मैं ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे एरर आना चाहिए, मैं इसलिए बोला एरर आना चाहिए क्योंकि अभी देखिए अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, मेरा यूजर लॉगिन नहीं है। लॉगिन अगर होता तो यहाँ पे लॉगआउट का बटन आता, मतलब हम लॉगिन नहीं है अभी। और जब लॉगिन नहीं है फिर भी ये चेंज पासवर्ड खुल जा रहा है जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अब बताओ जो यूजर लॉगिन ही नहीं है वो किसका यूजर, कि कौन से यूजर का पासवर्ड चेंज होगा जब यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए फिर से जेंगो हमारे लिए काम करके रखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आते हैं इसमें, एक डेकोरेटर को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज में। तो सबसे पहले एक डेकोरेटर को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीव डॉट ऑट डॉट डेकोरेटर डेकोरेटर्स इम्पोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड। लॉगिन रिक्वायर्ड बेसिकली एक डेकोरेटर है जो यह डिफाइन यह चेक करता है कि वो यूजर, मतलब अगर किसी फंक्शन के ऊपर इस लॉगिन रिक्वायर्ड को हम अप्लाई कर देंगे तो यह यही चेक करेगा कि वो यूजर अभी, मतलब ये यूजर लॉगिन है कि नहीं, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर यूज कर रहा है कि नहीं। देखिए बेसिकली जेंगो में दो प्रकार का यूजर होता है, एक ऑथेंटिकेटेड एक एनोनिमस। तो बेसिकली ऑथेंटिकेट मतलब जो यूजर क्रिएट हुआ है और काम भी कर रहा है, तो यही चेक करेगा कि ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो पहले लॉगिन पेज पीछे रिडायरेक्ट कर देगा और बोलेगा कि पहले आप लॉगिन कीजिए। तो सबसे पहले इसको अप्लाई कर देते हैं हम इस चेंज पासवर्ड पे। तो ये अप्लाई करेंगे एट द रेट लॉगिन रिक्वायर्ड। अब इसको सेव करके देखते हैं हम लोग का सर्वर सबसे पहला चला कि नहीं। हम लोग का सर्वर बखूबी चल चुका है। अब आते हैं अपने हम ब्राउजर में और यहाँ पे फिर से चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड वाले यूआरएल पे जाते हैं। अभी देखिए हम लोग का यूआरएल जैसे ही चेंज पासवर्ड पे आए लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। और अगर यूआरएल को हम लोग रीड करें यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है 127. ये जो हम लोग का होस्ट है बेसिकली लोकल होस्ट
उसका स्लैश लॉगिन और यहाँ पे नेक्स्ट मतलब अगला पेज। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाएंगे हम, इसका ये एड्रेस भी बता रहा है कि लॉगिन करने के बाद आप चेंज पासवर्ड वाले यूआरएल पे जाइए। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, हमने एक अकाउंट जरूर क्रिएट किया होगा, इससे लॉगिन करते हैं। देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूँ और मैं लॉगिन करने के बाद आ चुका हूँ इस चेंज पासवर्ड वाले पेज पे। अगर मैं लॉगिन नहीं करता तो यहाँ पे नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए लॉगआउट का बटन आ रहा है। अब मैं बेसिकली चेंज पासवर्ड वाले फॉर्म पे जाता हूँ, चेंज पास। तो इतना हम लोग फॉर्म तो क्रिएट कर दिए, हाँ चलिए सब ठीक है, लेकिन क्या अभी पासवर्ड हम वर सबमिट करेंगे तो दिमाग से सोचना है। हर बार हम लोग करके नहीं देखें कि हो रहा है कि नहीं, नहीं। अरे हम अगर कुछ काम ही यहाँ पे नहीं किए हैं तो भाई क्यों क्यों होगा, क्यों पास होगा, क्यों यूजर आएगा, क्यों पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पे काम कर लेते हैं कि भाई ये पासवर्ड जो है सही है कि नहीं, मतलब चेक कर लेते हैं, पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। तो लिखते हैं इफ मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब कोई अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मार दे तो, अगर मेथड पोस्ट हो तो एक फॉर्म हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। अगर मेथड पोस्ट है तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, जो भी काम करना होगा हम लोगों को करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो सिंपल एक खाली सा फॉर्म एल्स में यहीं हम सिंपल ये फॉर्म को रिडायरेक्ट कर देंगे, फॉर्म इज इक्वल टू ये कर देंगे। तो अभी फिलहाल में पासवर्ड चेंज फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और सबसे पहले क्या हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को इसमें पास करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मतलब अगर पोस्ट रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करो इस फॉर्म में, और अगर फॉर्म ये सही है तो पहले चेक करते हैं इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। अगर फॉर्म सही है तो क्या करो, फॉर्म को तुम सेव कर दो, फॉर्म डॉट सेव। इतना काम कर दिए, हम लोग का काम हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि काम हो जाना चाहिए? मुझे अभी एक और डाउट है, ये डाउट बड़ा ही सिंपल है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड, मैं इनकॉग्निटो ब्राउजर में अपने साइट को खोलता हूँ फिर से, हम लोग का अभी साइट यहाँ पे खुल चुका है। आते हैं सबसे पहले हम एडमिन पैनल पे, यहाँ पे एडमिन, और यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं हम, एडमिन एडमिन। बात बिल्कुल समझने वाला है कि एडमिन एडमिन से हम लॉगिन कर लिए, यूजर्स को खोले, कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर को हम खोल लेते हैं, इसे यहीं जो अभी हम यूजर पे काम कर रहे हैं इसी को खोल लिए। इस यूजर का जो हम पासवर्ड देखेंगे तो हैश फॉर्म में है, चाहे अगर हम सेल में भी जाके इसके पासवर्ड को चेक करें तो ये हैश फॉर्म में है। तो हम लोग पासवर्ड तो चेंज कर दिए, लेकिन हैश को कहाँ अपडेट किए हम, जो हैश में पहले कन्वर्टेड था वो हैश तो अपडेट नहीं हुआ, तो हमको तो हैश को भी अपडेट करना होगा ना। ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो हम लोग का पासवर्ड सेव हो रहा है, इस पासवर्ड को तो हम चेंज कर दिए जो पासवर्ड मेन है, लेकिन इसके हैश को हम अपडेट नहीं किए। तो सबसे पहले इसके हैश को हम अपडेट कर लेते हैं। तो हैश के अपडेट करने के लिए भी आपको पहले से ही दिमाग में आ गया होगा कि हाँ भाई जेंगो पहले से ही कोई ना कोई फंक्शन इसके लिए बना के रख दिया होगा, हम लोग को टेंशन की बात नहीं है। तो हाँ, इसके लिए भी जेंगो ने फंक्शन बना दिया है। सबसे पहले इसको उस फंक्शन को इम्पोर्ट करते हैं, तो फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट और इम्पोर्ट, यहीं पे है वो, और उस फॉर्म का नाम है मतलब उस फाइल का नाम है अपडेट, उस फंक्शन का बेसिकली नाम है अपडेट सेशन ऑथ हैश। देखते हैं हम लोग का सही है कि नहीं, अगर सही होगा तो हम लोग का सर्वर बेसिकली अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कोई, लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल सही स्पेलिंग भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग के इसके, हम लोग को इसके हैश को भी अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले हैश को अपडेट करने के लिए यहीं पे सेव करने के बाद सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे पहला आर्गुमेंट इसका रिक्वेस्ट पास होता है और दूसरा आर्गुमेंट इसमें यूजर पास होता है। यहाँ पे जो मैं ये अपडेट, ये फॉर्म डॉट सेव करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, इसे भी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे यूजर नहीं, यहाँ पे यही वेरिएबल पास होता है, इसे भी हम यहाँ पे पास कर दिए। अब इसको एक बार फिर से जाके चेंज करके देखते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालते हैं, चेंज पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया और अब जाके मेरा मैसेज आ गया पासवर्ड चेंज, मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो बेसिकली हमने ये सारा काम आसानी से कंप्लीट कर लिया।
और अब बात आता है, आई होप कि पहले आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज, और अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछिए। अब बात आता है कि जो भी हम लोग फॉर्म यूज करते हैं उसको कैसे समझे, वो कैसे कोड लिखा गया है जो यूज करने के लिए जाएंगे हमको दे रहा है, क्या हम वही यूज करके शांत हो जाए? नहीं, हम लोग को कुछ नया सीखना है। तो जब नया सीखना है तो हम लोग कुछ नया करेंगे, तो नया यही करेंगे कि उसके जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे कि आखिर में वो फंक्शन बोल क्या रहा है, वो फंक्शन कर क्या रहा है, वो फंक्शन किस तरह से किस ऑपरेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो हम उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन को देखेंगे। तो आते हैं, देखते हैं पहले Django में। तो आते हैं सबसे पहले अपना फाइल मैनेजर खोल लेते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं जहाँ हम लोग का पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन 3.7 हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं पाइथन के डायरेक्टरी में आ गया। फिर लाइब्रेरी फाइल में जाएं, लाइब्रेरी फाइल में एक साइट पैकेजेस नाम का फाइल है, उसके अंदर एक Django नाम का फाइल है, Django यहाँ पे, इसके अंदर Django में हम आ गए, मतलब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं Django। उसके बाद कंट्रीव में जाना है, सॉरी, उसके बाद हम लोग को कंट्रीव में जाना है, कंट्रीव यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को जाना है ऑथ में, तो ऑथ यहाँ पे है। ऑथ में जाने के बाद हम लोग को फॉर्म को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्म्स हम लोग का दिख रहा है, तो फॉर्म्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने सबलाइन वाले एडिटर में, और इसमें इसके कोड को हम देखते हैं। देखिए इसमें सारे फॉर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे फॉर्म्स के यहाँ पे फंक्शंस क्लासेस बन के रखे हुए। जैसे देखिए यूजर क्रिएशन फॉर्म, हम लोग यूजर को क्रिएट करने के लिए ये यूजर क्रिएशन फॉर्म बनाया था। आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे पासवर्ड के साथ काम हो रहा है, कैसे यूजर नेम को लेके सेव किया जा रहा है, सब काम जो भी यहाँ पे हो रहा है वो आप पढ़ के बिल्कुल ही आसानी से समझ पाइएगा। लॉगिन फॉर्म भी था यहाँ पे, अभी ऑथेंटिकेट पासवर्ड रीसेट फॉर्म, आगे हम लोग आगे वाले वीडियोज में देखेंगे कि पासवर्ड रीसेट कैसे, फॉरगेट पासवर्ड जो होता है वो कैसे करें, उसका भी क्लास यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इसको भी देख के आप समझ सकते हैं। सेट पासवर्ड फॉर्म, बहुत सारा पासवर्ड चेंज फॉर्म जो अभी अभी हम लोग यूज किए, सारा फॉर्म्स यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको संतुष्ट नहीं है आप आइए इसको पढ़िए, आप इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं जो यूजर क्रिएट करे और यूजर के पासवर्ड को चेंज करे। तो आपको अगर इसमें कोई तकलीफ है तो आप आइए इसको पढ़िए, अपने अनुसार अपना फंक्शन इंप्लीमेंट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आपका लॉजिक और भी ज़्यादा डेवलप होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।